एक अरसे को सियासी जिद्दोजहद का हिस्सा है और इन पूरे अरसे एक गाल फखर के तौर पर आख सकता हूँ, बल्कि ना सिर्फ मैं, मेरे तमाम दोस्त, मेरी पूरी टीम के सियासी शऊर की जिद्दोजहद की थी, हमेशा हकूक की जंग लड़ी है और मैं और मेरा पूरा ग्रुप जड़ा पीटीआई का हिस्सा है, इंशाल्लाह आज को या उन्हीं को जड़े नहीं तो असा इमरान खान से की क्यादत एक पीटीआई के लिए शमूलियत का ऐलान किया। असा अपनी सियासी जुद्दोजहद अगू लेकिन के दर्शन हकूक की जंग लड़ सकते इमरान खान से की क्यादत की जंग को अगू लेकिन के दर्शन, और मैं समझे ना कि पाकिस्तान दे विच ई बात जड़ा क्यादत का फुकदान या खला है वो इमरान खान साहब ने पूरा किया। मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं जड़े खान की टीम को ज्वाइन करे सन, फ्यूचर च करे सन, माजी च उन्होंने कीते, वो तमाम मुख्तलिफ उल ख्याल सियासी नजरियात के लोग हैं, लेकिन वो ई प्लेटफॉर्म सारे कटे और उम्मीद करें ऐसा इंशाल्लाह कि आने वाला वक्त ई मुल्क वास्ते बेहतरी गिन के आस। मैं तमाम दोस्तों को अश्योरेंस देना असा तुसा रल के कुछ टुसू शाना बशाना हो सू, जितना तुसा दोस्त रहनुमाई करे सो असा कोशिश करे सू कि मामला बेहतर अंदाज में कुछ टोरो, और एक टीम एफर्ट होती है, मैं कला तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ तुसा सारे दोस्तों की जरूरत हो सकती, और मैं ये समझे ना कि मैं भी पी टी आई के एक कारकुन के तौर पर अगू तक काम करे स, जरूर अर्ज करे कि जेडी चेयर पे मैं कुछ सा दिला दीते यकीन तुसा हजार की चेयर मतलब है कि सिलसिला ही नहीं रह गया कि पार्टियां और तंजीमों असा दोस्तों की मतलब एक रस्ता रोकू या राह कटू। मेरी ये गुजारिश हो सकता तमाम दोस्तों को कि मैं को तुसा बतौर पी टी आई के कारकुन में कंसिडर करे सो और अपना विरास समझे सो, मेरे नाल हर थिक एंड थिन डिस्कस करे सो, और असा रल के अगले टुसो, अल्लाह करे सी अल्लाह पाक इन्हें बरकत पैसी और असा अपने गोल अचीव कर। मोटी मुल्क के पाकिस्तान के सीरियस चैलेंजेस हैं और एक गुफ्तगू थी कि कोई पॉलिटिकल फोर्स इन चैलेंजेस को एज अ होल मीट नहीं कर सकता। मैं समझना कि पीटीआई का जो विजन है